वेलकम टू कुकिंग इनसाइड द किचन। और किचन में आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मजेदार सी क्रिस्पी सी बेसन की सेवइयां। आप इससे बहुत सी तरह तरह की सेवइयां सीखेंगे हमारे साथ और इसे हम तैयार करेंगे बेसन में, बड़ी क्विक और जल्दी से बनने वाली। इसके लिए हम लेंगे 2 कप मेरे पास बेसन लेंगे। इसके अंदर 1 टेबल स्पून चाट मसाला ऐड किया है। सॉल्ट ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। चाट मसाले की रेसिपी आपको दे चुकी हूँ, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अजवाइन ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। बहुत ही मजे का टेस्ट आता है अजवाइन का इसके अंदर। और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम पानी लेंगे रूम टेम्परेचर का और इसकी मदद से एक अच्छी सी डो तैयार कर लेंगे। सेम मशीन की अनबॉक्सिंग आपके साथ शेयर कर दी थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ हम फुल्कियां, निम्को और भी बहुत सी रेसिपीज इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तो अब हमने एक अच्छी सी डो तैयार कर ली है और इसे आप देखें, हमने बहुत ज्यादा नरम नहीं करना और अच्छी सी डो तैयार करनी है, थोड़ी सी हार्ड सी। तो बेसन में पानी ऐड करते वक्त थोड़ा ख्याल रखें। अब हम इसकी एक डाई सेट करेंगे इस तरीके से, पीछे को घुमाएंगे इसके सर्कल को और इसके अंदर आटा ऐड कर देंगे ग्लास के अगले वाले हिस्से में। और इस तरीके से अब हम इसे सर्कल करेंगे और एक डाई फिट कर लेंगे। क्योंकि मैं बारीक सेवइयां बना रही हूँ इसलिए हम बारीक ही सेट करेंगे, इसे मोटी भी बन सकती थी। तो ऑयल हो गया है हमारा गरम, हमने सरसों के ऑयल में इसे फ्राई करना है और मजेदार सी सेवइयां एंजॉय करें अपने घर में, साफ सुथरी और क्रिस्पी सी। आप इसे बना के सेव करके भी रख सकते हैं किसी भी एयर टाइट जार में या शॉपिंग बैग में, उसके अंदर इसे पैक करके तो रख सकते हैं। तो बड़ी ही मजेदार सी सेवइयां हैं और झटपट से बनने वाली और झटपट से खत्म होने वाली, तो मेरी तो बहुत फेवरेट है। उम्मीद है आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। हम इसके साथ आपको निम्को भी सिखाएंगे, पूरी निम्को की रेसिपी भी मिलेगी। तो वीडियो को प्लीज फुली वॉच कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा इसे, और ट्राई करने के बाद फीडबैक में बताइएगा कि आपने ये खरीदी तो आपकी ये सेवइयां कैसी बनी। जब एक साइड अच्छी सी गोल्डन हो जाएगी तो हम साइड को चेंज कर देंगे। जब भी चीज को फ्राई करें तो उसके लिए बेहतर यही है कि आप सरसों को ऑयल करें, क्योंकि बहुत ही फायदे वाला होता है। तो ये देखिए एक नेस्ट सामने बना लिया है सेवइयों का। अब हम इसे डिश आउट करेंगे और इसी तरीके से सारी सेवइयां बना लेंगे। ये आप देखें 2 कप मेरे पास बेसन था, उससे मैंने कितनी ज्यादा सेवइयां तैयार कर ली हैं। ऊपर से स्प्रिंकल करें सॉल्ट और लेमन स्क्वीज करके इसे इंजॉय करें। तो आप भी इसे ट्राई करें और ट्राई करके फीडबैक में बताएं कि रेसिपी कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर चैनल पे न्यू है आप, और लिंक को शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स में। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी लेके, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।